कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो दिन की मेहनत रही, स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारान के साथ जुड़ करके हमने कोशिश की और मालेगांव से हमने कुछ नाम भेजे फेडरेशन को कि भाई इन लोगों को बुलाया जाए, आ करके ये हमारे मसाइल रखेंगे और पॉलिसी में ऐसी चीजें जिससे मालेगांव को फायदा हो उसको शामिल कराने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम मालेगांव वालों की बात तो सुनी जाए। तो आज जो है कुछ चार पांच लोगों को शामिल किया गया है, कल शाम 5 बजे मीटिंग है। ये सारे हजरात जो इन मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं वहां पर रखेंगे, हम भी पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे। आने वाली 17 जुलाई से हाउस शुरू होगा, हाउस में भी इंशाल्लाह मालेगांव की नुमाइंदगी करते हुए इस सनद के लिए जो बेहतर से बेहतर बात इन लोगों के मशवरे से मिलेगी वो पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह वहां पर हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में चाहे यार का बैंक का मसला हो, चाहे कपड़ों की फरोख्ती का मसला हो, चाहे स्पिनिंग मिल की बात हो, चाहे गेमिंग फैक्ट्री की बात हो, ये सारे जो हमारे मसाइल हैं इन मसाइल में हम लोगों को नुमाइंदगी करके अपनी बात वहाँ रखनी है। और कल की मीटिंग के एजेंडे में हमसे मुतालिक कोई बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना मीटिंग में दीगर उमूर पर इजाजत सदर, आखिर में सदर की इजाजत से बहुत सारी बात होती है। तो उसमें हम लोग मालेगांव के हालात रख करके कोशिश करेंगे कि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी बने जो फ्लैट पावर रूल के लिए फायदामंद हो, और इस सिलसिले में कल की मीटिंग में भी कोशिश करेंगे, आगे भी जद्दोजहद और कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और उसके बाद मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं और सबकी देखवाली ने भी तो उसके पास बोलने के बाद इनका कल मुझे फोन आया बम्बई से कि भाई मशवरे के वास्ते तमाम तंजीमों को बुला लिया जाए। हम यूसुफ से नेशनल वाले को वहाँ तंजीम के लोग बैठते थे, 12 तंजीम में हम लोग 12 ही लोग रहते थे, मगर मुफ्ती साहब के बोलने पे हमने व्हाट्सएप पे भी चला दिया, सब लोगों को भी बताया ताकि लोग भी आकर समझे कि भाई हम किस न्याय पे खड़े हुए हैं, हमारे लोग कितनी कोशिश करती है और सरकार हमारे साथ क्या करती है। ये सब बात समझने के लिए आज मीटिंग नहीं गई थी। अब कई मरतबा ऐसा होता है, जैसे अभी आप एक मीटिंग सुन देखे होंगे दादा भूसे और एजाज बेग की, तो जुम्मा के दिन सुबह 11 बजे, तो कौन बुलकर जाएगा मुझे बताइए। अब 2 दिन बाद हमारा त्यौहार है और कल शाम में 5 बजे है, ये सरकार सोच समझ के कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हमारे लोग नहीं पहुंच सकते, या जुम्मा के दिन खासतौर से जुम्मा के दिन बहुत सफाई रखा गया है। ये सब हम ध्यान में रखेंगे और मुफ्ती साहब को बोलेंगे हाल में भी यही बात करना कि यार अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके नहीं है या हम इस देश के नहीं है तो हमारे को खुला बोल दीजिए। हम जैसे बिना सरकार की सब्सिडी और बिना सरकार की पॉलिसी से जी रहे और जी रहेगी, ये सौतेला सुलूक होता है। यही समझ के हम लोग कल वहाँ मीटिंग में जाएंगे, हमारे लोग बात बोलेंगे। साजिद अंसारी भिवंडी के उनको मैं फोन किया तो वहाँ के लोग ऐसा बोले कि हमारा नाम भी नहीं आया है तो चले और वहाँ भी चल के बात करेंगे, मगर अलहमदिल्ला मुफ्ती साहब के बोलने के सिद्दीक भाई चेयरमैन जो स्पिनिंग मिल के हैं उनकी कोशिशों से 5 लोगों का नाम आया। मेरी कमेटी का नाम है ताजुका मारे वहाँ पावर रूम खंडर कमेटी, मगर उसके अजीत मुकादम अध्यक्ष भी किया गया। अजीत मुकादम साहब आए बोले यूसुफ तुम मेरी जगह चले जाना, मैं तो इंशाल्लाह जाऊंगा, वो नहीं भी रहेगा तो हम जो है ये कोशिश करते हैं कहीं पे भी बात हो अपनी बात रखने के लिए खड़े होकर सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। जो 2 हफ्ता 15 दिन पहले एक यूट्यूबर आया यहाँ पूरा कर दिया बब्बू भाई करके, और जब उसको बताया गया वैरायटी चैनल पे तो मैं देखा उसको फोन किया कि भाई ये तो हमारी बात रखे ही नहीं, तो वो क्या बोलता है मैं इस पे बोल रहा हूँ कि गोदी मीडिया है, आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे आपको नहीं बताया जाएगा।
ये सच बात हम हर जगह बोलेंगे। सरकार अगर हमारे साथ यार तो बैंक तो दे के 2-3 साल हमारे लोगों को संभाला है तो बहुत अच्छा किया है। अगर सरकार ये चाहती है तो अभी अधिक मास लगेगा, मंदी है तो सरकार हमारा कपड़ा रख कर बिना ब्याज से हम बुनकरों को पैसा देवे, ये स्कीम बनावे ताकि बुनकर जो है तो अपना कारोबार 4 महीना संभाल सके। जिस तरह तुमने यार्न बैंक में इस शहर में जो